वहीं पूर्वांचल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कर रहे निरीक्षण। आजमगढ़ और गाजीपुर पहुंचे हैं और वहां पर निरीक्षण किया है। 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा काम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। पूर्वांचल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक काम पूरा हो जाएगा। आजमगढ़ और गाजीपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने निरीक्षण किया है। आजमगढ़ और गाजीपुर पहुंचकर 31 मार्च तक काम पूरा हो जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ, आजमगढ़ को ध्यान में रखकर के बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहाँ की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे।